गुड आफ्टरनून सभी को। आप सभी तक आवाज जा रही है, स्क्रीन शो हो रही है। हेलो, ठीक है। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल हमने आपको बिटवीन ऑपरेटर बताया था, उसको टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो बिटवीन ऑपरेटर अगेन आपके सामने यहाँ पर थ्योरी में आएगा। देखिएगा, हम यहां लिख रहे हैं कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज। एक रेंज के ऊपर अगर हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम बिटवीन ऑपरेटर लगाते हैं। इसमें लिखेंगे द बिटवीन ऑपरेटर डिफाइंस अ रेंज ऑफ वैल्यूज। दिस इंक्लूड्स बोथ लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू। एग्जाम्पल, टू प्रिंट सैलरी फ्रॉम 10,000 टू 30,000, वी विल राइट सेलेक्ट Asterisk from table finance, suppose that is student, where salary between 10,000 and 30,000। ये पर्टिकुलर 10,000 लोअर लिमिट हो गई और 30,000 अपर लिमिट हो गई। ये बिटवीन यहां पर इस तरह से काम करता है। इसको इस पर भी देख लीजिए, कल हमने बताया था, दोबारा देख लीजिए। नया यूज किया, यहाँ पे EMP4 एक टेबल है, इसमें मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP4, डेटा दिख गया। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ 7 से लेकर 9,000 के बीच डेटा आए, जिनकी सैलरी 7,000 से 9,000 के बीच में है। तो हम कहेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम MP4 वेयर सैलरी बिटवीन 7,000 एंड
9,000, तो इसके बीच की ही सैलरी आएगी, आपके सामने डिस्प्ले होगी। बताइए, क्लियर है ये सभी को? ठीक है। अब इसके बाद एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बाद हेडिंग आप डालेंगे कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट। अगर हमें एक लिस्ट के ऊपर कोई कंडीशन लगानी है, लिस्ट कॉन्सेप्ट पर लगानी है, अभी प्रैक्टिकल करेंगे समझ में आ जाएगा, तो हम वहां इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए। अगर आपको कंडीशन लगानी है किसी लिस्ट पर, तो आप इन एंड नॉट इन का यूज करते हैं, ये दोनों ऑपरेटर हैं। इसमें सपोज दैट हम यहां पर जो टेबल है उसमें कुछ डेटा ऐड करते हैं, सपोज सिटी ऐड कर देते हैं, एक कॉलम ऐड कर रहे हैं इसमें, इस टेबल में अल्टर टेबल MP4। अभी वो प्रैक्टिकल इस पे अप्लाई करेंगे, ऐड सिटी करेक्टर टाइप 8 करेक्टर का, या 18 कर दीजिए, सेमी कॉलन, ये ऐड हो गई। अब इसमें डेटा दे देते हैं, अपडेट MP4 सेट सिटी इक्वल्स टू SPN वेयर नेम इक्वल्स टू कोमल। तो कोमल की सिटी हो गई SPN। ऐसे ही हमने यहां चेंज कर दिया, कोमल नहीं परनीत, सिटी हो जाए LKO, बल्कि हो गया। हमने नेम चेंज कर दिया हर्षित, सिटी हो जाए SPN, हो गई। हमने नेम चेंज कर दिया स्वप्निल, सिटी कर दी आया। अब हम सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, तो इस तरह सिटी भी ऐड हो गई। सत्यम की सिटी नहीं है, उसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर एसपीएंस और एलकेओ से संबंधित हैं वो डिस्प्ले हो जाए, जो एसपीएन LKO से संबंधित है वो डिस्प्ले हो जाए। इससे ज्यादा भी हो सकता था, हमने यहाँ दो ही दिया है या तीन दिया है, इससे ज्यादा भी हो सकता था। तो हम यहाँ पर इन ऑपरेटर यूज करेंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए, फिर लिखवा देंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक सभी डिटेल डिस्प्ले करें, कहाँ से MP4 से, वेयर सिटी इन, जहां पर सिटी हो, कौन कौन से सिटी हो, हमने कहा LKO से कॉमा
एसपीएन से डबल कोर्स या सिंगल कोर्स में दिया जाएगा, स्ट्रिंग है, और पीडब्ल्यूएन से यानी पुआया से, इन सिटी से जितने भी लोग इन सिटी से रिलेटेड हैं उनकी डिटेल डिस्प्ले हो जाए। देखिए उनकी डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी, उसके अलावा लोग नहीं आएंगे। तो इन ऑपरेटर सर्च कर रहा है एक लिस्ट से कि इस लिस्ट का ही डेटा लेना है और किसी को नहीं इंक्लूड करना है। तो इन ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है। आप इसको और तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले इतना बताइए, ये इतना क्लियर है आपको जो बताने की कोशिश हुई है? अच्छी बात है। हम जरूरी नहीं है इसको हम स्ट्रिंग पर ही अप्लाई करें, ये इंटीजर पर भी अप्लाई हो जाता है इन ऑपरेटर। जैसे देखिए हम चाहते हैं कि सैलरी जिनकी जिनकी सैलरी वेयर सैलरी इन जिनकी सैलरी 7,000, 8,000, 9,000 के बीच हो, 7,000, 8,000, 9,000 हो जिनकी सैलरी, उनकी डिटेल डिस्प्ले हो जाए। तो सिर्फ उन्हीं की डिटेल डिस्प्ले होगी जिनकी सैलरी 7,000, 8,000 और 9,000 होगी। तो हम इंटीजर पर भी इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं एज वेल एज स्ट्रिंग आल्सो। बताइए क्लियर है? अब इसकी थ्योरी लिख लीजिए। इसमें लिखेंगे टू स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ वैल्यू इन एंड नॉट इन ऑपरेटर इज यूज्ड इन ऑपरेटर सेलेक्ट्स वैल्यू दैट मैच एनी वैल्यू इन अ गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यू। While not in works, just opposite to in operator, उसका उल्टा हो जाएगा not in में, जो इनसे संबंधित ना हो वो डिस्प्ले हो, और इन ऑपरेटर में जो उससे रिलेटेड हो वो डिस्प्ले हो। ये तो डिफरेंस होता है इन एंड नॉट इन में, ठीक है? अगर आप नॉट इन का प्रैक्टिकल देखें, आप चाहें तो इस तरह से क्यूरी चला के ये टेबल भी बना सकते हैं जिससे आपको ये चीजें याद रहें, क्योंकि थ्योरी में तो हम छोटा छोटा सा टॉपिक बस लिखवा दे रहे हैं और उसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं चीजें याद रहेंगी तो आप जहां ये कमांड चला रहे हैं हम एसक्यूएल पे, आप इन कमांड को चला के ये पर्टिकुलर टेबल भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए। एनी हाउ अभी चीजें क्लियर हो रही होंगी, बट इन फ्यूचर आपको रिवाइज करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो चीजें जब तक आपके पास नोट डाउन नहीं होंगी तो रिवाइज करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में लाइव चल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में सब आएगा। बट रिवीजन जब करेंगे, अगर चीजें नहीं होंगी सामने तो नोट्स आपके काम आएंगे, तो वो प्रॉपर बने होने चाहिए। वो आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा कैसे करना है, वो आप ज्यादा समझदार हैं, वो आप देखिएगा।
ऐसे वीडियोस अवेलेबल रहेंगी, आपके पास वहां पहुंच रही होंगी, आप उसे देख के जैसे भी है अपना नोट्स प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा। तब नोट्स को देखने के बाद आप फिर ना देखना पड़े कहीं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो नॉट इन देख सकते हैं हमने यहां पर पर्टिकुलर नॉट इन ऑपरेटर लगा दिया, सैलरी नॉट इन, इनके अलावा, तो इनके अलावा जो है वही आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। के नोट्स में एग्जांपल लिख सकते हैं, टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ विच सैलरी इन रेंज ऑफ 7,000, 8,000 एंड 9,000, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। सेलेक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए लिखवा रहे हैं, फ्रॉम MP4 वेयर सैलरी इन 7,000, 8,000, 9,000, इसका उल्टा हो जाएगा, नॉट इन स्ट्रिक्ट फ्रॉम MP4 वेयर सैलरी नॉट इन 7,000, 8,000 एंड 9,000, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है कुछ स्ट्रिंग पर वर्क करने वाले ऑपरेटर हैं, कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैच। तो स्ट्रिंग पर अगर हम वर्क करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं स्ट्रिंग पर, तो हम दो ऑपरेट, दो कीवर्ड यूज करते हैं या दो सिंबल यूज करते हैं, इनको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहते हैं। एक होता है परसेंटेज साइन और एक होता है अंडरस्कोर साइन। ये दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ये दो जो की पर्टिकुलर सिंबल हैं, ये स्ट्रिंग पर कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं या पैटर्न मैच के लिए यूज होते हैं। किस तरह से पैटर्न मैच के लिए यूज होते हैं या क्या इनका यूज है, वो हम प्रैक्टिकल के साथ आपको यहाँ पे बता रहे हैं, 100% समझ आ जाएगा। पहले इसे देख लीजिए, प्रैक्टिकल में समझ लीजिए, फिर इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो इमेजिन हमारे पास एक टेबल है MP4, उसका डेटा हम डिस्प्ले कर लेते हैं। ये हमारे पास डेटा है, इसमें सिटी जो फील्ड है इसमें स्ट्रिंग वैल्यू है और नेम जो फील्ड है इसमें स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हम चाहते हैं, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए कि जब हम ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर की बात करते हैं, परसेंटेज साइन या अंडरस्कोर साइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक लाइक कीवर्ड यूज होता है, लाइक LIKE, लाइक कीवर्ड यूज होता है, जो स्ट्रिंग के साथ जब हम इन ऑपरेटर को यूज करते हैं तो इससे पहले लाइक लगता है। तो लाइक कीवर्ड कंपैरिजन के लिए यूज होता है स्ट्रिंग में, इसको ध्यान दीजिएगा, ये लिखते समय हम लिखवाएंगे। तो यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, जैसे हम चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर नेम एस से स्टार्ट हो रहे हैं, एस से, सिर्फ वो डिस्प्ले हो, जो नेम, जिस नेम में पहला करेक्टर एस है
या एस ए है, जो भी है जितना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर नेम की डिटेल डिस्प्ले हो, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम MP4 वेयर नेम लाइक सिंगल कोट्स में एस, एंटर करेंगे, एक सेकेंड, हमने यहां पर गलती कर दी, एस परसेंट लिखना है, एस परसेंट, परसेंटेज साइन देना है, तो जो लेटर जो नेम एस से स्टार्ट है उनकी डिटेल डिस्प्ले हो, तो एस परसेंट लिखेंगे। तो देखिए एस से स्टार्ट होने वाले नेम की डिटेल आई है आपके सामने, यानी स्टार्टिंग में जो नेम जिस करेक्टर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो करेक्टर लिखेंगे लाइक के बाद, फिर आप परसेंटेज साइन लगा देंगे, तो सिर्फ वही डिटेल डिस्प्ले होगी जो पर्टिकुलर उस करेक्टर से स्टार्ट हो रहे होंगे। इसके अपोजिट बताइए, ये क्लियर है इतना? इसके अपोजिट अगर हमने कहा नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, जो एंड हो रहे हो इस करेक्टर से उसकी डिटेल डिस्प्ले हो, समझेगा बात को? अभी हमने, हमारा क्वेश्चन था, हमारी क्यूरी थी कि विच नेम, द नेम विच आर स्टार्टिंग विद द अल्फाबेट एस, दैट डिटेल कुड मस्ट बी डिस्प्ले। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है कि द डिटेल्स ऑफ दैट नेम विल बी डिस्प्ले, दैट नेम इज एंडिंग विद टी, जो नेम लास्ट, जिस नेम के लास्ट में टी आ रहा है उनकी डिटेल डिस्प्ले हो। तो ऐसा करने के लिए हमारा सब कुछ स्टेटमेंट ये होगा, लेकिन परसेंटेज साइन पहले लगेगा और टी बाद में लगेगा, अंतर हो जाता है। देखिए इसमें अगर परसेंटेज साइन पहले लगा देंगे, करेक्टर बाद में लिखेंगे, तो एंड की बात होगी। अगर परसेंटेज साइन बाद में लगाएंगे, करेक्टर पहले लिख देंगे, तो स्टार्टिंग की बात होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर हमने परसेंटेज साइन लगाया उसके बाद में करेक्टर लिखा, तो ये एंड की बात हो रही है। अगर हमने करेक्टर पहले लिख दिया, जैसे पहले लिखा था एस, और परसेंटेज साइन बाद में लगाया, तो स्टार्टिंग की बात हो जाएगी फिर। तो अगर ऐसा करेंगे तो टी वाले डिस्प्ले होंगे, देखिए जिसके लास्ट में टी है। आप कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा लिख दें एस परसेंट टी, कुछ नहीं आएगा, क्लियर है? बताइए, अगर यही परसेंटेज साइन आप बीच में लगा दो, अगर परसेंटेज साइन हम बीच में लगा दें, मतलब हम चाहते हैं कि जो जिस पर्टिकुलर लेटर के बीच में आर है, जिन नेम के बीच में आर है, तो परसेंटेज साइन आर, फिर परसेंटेज साइन, जिन नेम के बीच में आर आ रहा है वो डिटेल डिस्प्ले हो जाए, एंटर करेंगे, तो जिन नेम के बीच में आर आ रहा है, मतलब जिन नेम में आर आ रहा है कहीं भी, वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अगर मिडिल की बात हो रही है, तो इस तरह से आप परसेंटेज साइन का यूज करेंगे। बताइए, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जल्दी बहुत लोग मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत इजी है, अगर ध्यान देंगे तो सब समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अंडरस्कोर कर, अभी हमने परसेंटेज साइन का यूज बता दिया, इसी तरह से अंडरस्कोर का यूज है। इमेजिन हम चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर लेटर 5 करेक्टर के हों,
सिर्फ उन्हीं के डिटेल डिस्प्ले हो जिन पर्टिकुलर लेटर में सिर्फ 5 करेक्टर हैं, उनकी डिटेल डिस्प्ले हो, तो आप 5 बार अंडरस्कोर दे देंगे। तो ये 5 टाइम जब अंडरस्कोर देंगे तो सिर्फ उतने ही लेटर वाले नेम डिस्प्ले होंगे जिनकी लेंथ 5 करेक्टर की होगी। तो आपके इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ कोमल जो नेम है ये 5 लेटर का है, इसलिए सिर्फ कोमल आ रहे हैं, इनके अलावा 5 लेटर इससे बड़े हैं। तो अगर एग्जैक्ट की बात की जाएगी कि एग्जैक्ट कितने करेक्टर की डिटेल डिस्प्ले करनी है, तो एग्जैक्ट की डिटेल डिस्प्ले करने के लिए आप अंडरस्कोर साइन का यूज करेंगे। बताइए क्लियर है? स्वप्निल क्लियर नहीं हुआ? ये आपको हमने पैटर्न मैच कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैच ये करवाया है, इसके बारे में आप लिख लें। ये हो गया कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज, ये हो गया कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट, अब है कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज, बेस्ड ऑन पैटर्न मैच। पैटर्न मैच के अकॉर्डिंग देखना है, कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैच। इसमें लिखेंगे SQL also include a string match operator like आगे लिखेंगे पैटर्न आर डिस्क्राइब्ड बाय डिस्क्राइब्ड यूजिंग टू स्पेशल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, कौन कौन से, परसेंटेज साइन और अंडरस्कोर साइन। ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। परसेंटेज साइन क्या करता है, परसेंटेज कैरेक्टर मैच एनी सब स्ट्रिंग, जबकि अंडरस्कोर क्या करता है, अंडरस्कोर इस लिखेंगे द अंडरस्कोर करेक्टर मैच एनी कैरेक्टर। ये इसकी थ्योरी थी, ये इसके प्रैक्टिकल थे। अगर नेम ऐसे स्टार्ट हो रहा है और एंड में टी है अगर नेम स्टार्ट हो रहा है एस से एंड नेम लाइक
परसेंट टी। नहीं डिस्प्ले हो रहा है। कुछ एक सेकंड, एक बार फिर से इसे ओपन करते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम MP4 वेयर नेम लाइक, आपने ऐसे लिखा था, परसेंट एस, एस परसेंट, परसेंट टी, ये लिखा। कुछ नहीं आएगा क्योंकि दो ऑपरेटर इस तरीके से यूज नहीं हो सकते। और अगर हम एंड ऑपरेटर लगा के करें तो शायद हो सकता है वो गलती कुछ हो रही होगी। नेम लाइक, नेम लाइक एस परसेंट, एंड नेम लाइक परसेंट टी, इंटर। इस तरह से कोई मैच नहीं किया होगा, देख लेते हैं इसमें डेटा क्या है। इसमें कोई डेटा ऐसा नहीं है जो एस से स्टार्ट हो रहा हो, टी से एंड हो रहा हो। ठीक है, अगर इसमें डेटा कोई इनपुट कर दें हम, वैल्यू हमने इसमें एक नाम दिया SAAT, मान लीजिए इसमें स्टार्टिंग में है, सैलरी दिया ये, सिटी दे दिया SPN, इंटर कर दिया। अब ये क्यूरी हम रन करा के देखते हैं, रन करता नहीं करता, इस कंडीशन पे आएगा। आपको एंड ऑपरेटर लगा के करना होगा, जो स्टार्टिंग में एस है और लास्ट में टी है, तो एंड ऑपरेटर इस तरीके से आप लगाएंगे तो पॉसिबल है। बताइए सभी को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो आई होप आप क्लियर होंगे, और इसके आगे जो भी टॉपिक है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इतना आप एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो ही रही है तो आपके पास पहुंच ही जाएगी कुछ देर में, आप देखिएगा उसको। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
ठीक है, हैव अ नाइस डे सभी को।